हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सो आज से हम अपने हिंदू और एक्सप्रेस की न्यूज एनालिसिस की एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। होप यू लाइक इट, सो लेट्स स्टार्ट। सो आज के में हमारे हिंदू में जो सबसे पहला आर्टिकल था वो था जो हमने ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो तीन लॉज आए थे हमारे, दैट इज आईपीसी 1860 का इंडियन पीनल कोड, देन क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। सो इन तीनों को अब रिप्लेस करने की बात की जा रही है। सो आईपीसी विल बी रिप्लेस्ड बाय बीएनएस, दैट इज भारतीय न्याय संहिता, एंड क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट को हम रिप्लेस करेंगे बीएनएसएस से, दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एंड देन इंडियन एविडेंस एक्ट को हम रिप्लेस करेंगे भारतीय साक्ष्य से। देन उसके बाद इस बिल के क्या क्या मेजर प्रोविजन से, इस बिल में बोला गया है आइडेंटिटी से अगर कोई पर्सन किसी को बहलाता फुसलाता है तो उसको 10 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट होगी अगर वो उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन भी एस्टेब्लिश कर लेता है। बिकॉज ये बेसिकली हम इसको रेप नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें जो कंसेंट है वो सेक्सुअल कंसेंट नहीं होगा प्रॉपरली बोथ द पार्टनर्स का, बिकॉज एक पार्टनर को हमने फॉल्स आइडेंटिटी बताई है। जैसे अगर ए और बी दो पार्टनर्स हैं तो ए ने अपनी फॉल्स आइडेंटिटी बता के बी के साथ सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश किए, तो ये प्रोविजन इस बिल में बोला गया, उसके लिए इसको 10 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। देन उसके बाद हमारा सेकेंड जो टॉपिक है आज के हिंदू में, दैट इज वो GS2 के लिए इम्पोर्टेंट है काफी, ECOWAS। ये क्या होता है? इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। बेसिकली आप लोग सुन ही रहे होंगे कि नाइजर में जो है तख्ता पलट हो गया है। नाइजर कहाँ की कंट्री है? हमारी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की है। तो उसके हम नियर बाय कंट्रीज देख लेते हैं। 7 कंट्रीज लगते हैं उसके बॉर्डर के पास क्योंकि ये एक लैंडलॉक कंट्री है, दैट इज लीबिया, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, बेनिन, नाइजीरिया। नाइजीरिया अलग है एंड नाइजर अलग है, ठीक है। नाइजर इज द सेंटर, मीन्स जो लैंडलॉक कंट्री है, और उसके अराउंड ये 7 कंट्रीज है। तो वे लर्न होनी चाहिए, दैट इज लीबिया, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, बेनिन, नाइजीरिया एंड चड। देन उसके बाद इसमें क्या हुआ है? मिलिट्री कूप, दैट इज तख्ता पलट हो गया है। और यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, दैट इज CEDEAO, इस ECOWAS, दैट इज इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स का ही दूसरा नाम है। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1995 में बाय लैगोस ट्रीटी। इसका हेडक्वार्टर हमारा कहाँ है? नाइजीरिया में। ये 15 मेंबर एक बॉडी है जो कि फाइट करती है टेररिज्म के अगेंस्ट और हमें इस्टेब्लिश करने के लिए प्रमोट करती है पीस एंड सिक्योरिटी ताकि सब हैप्पीली लिव कर सके। देन हमारा थर्ड जो टॉपिक है दैट इज SMR। SMR होता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए हमें बोला गया है ये अप टू 300 मेगावाट्स तक की एनर्जी जनरेट करते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। और जैसे हमारे जो कन्वेंशनल रिएक्टर्स थे वो काफी बड़े होते थे इन साइज में, हालांकि वो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट करते थे बट वो पोल्यूशन भी, कार्बन भी उतना ही ज्यादा एमिट आउट करते थे, ठीक है। तो SMR जो है हेल्प करेंगे नेट जीरो कार्बन को अचीव करने में जो कि हमारा 2070 तक होगा। सो दैट इज वाई हम SMR को इंस्टॉल करने के लिए बात कर रहे हैं। सो अब हम SMR के कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक लॉन्ग आंसर लिखने के लिए आ जाए SMR तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें हम उसके चैलेंजेस और सॉल्यूशंस, एम्स, ऑब्जेक्टिव सब इंक्लूड करेंगे। तो SMR जो है हमारे हेल्प करेगा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर डीकार्बोनाइजेशन करने में। डीकार्बोनाइजेशन क्या होता है? कार्बन का जितना भी एमिशन होता है, जिससे पोल्यूशन होता है, उसको कम से कम करना बिल्कुल, ताकि पोल्यूशन एनवायरमेंट में ना हो, ठीक है। ये हमारे हेल्प करेगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में जो मैक्सिमम 300 मेगावाट तक की कर सकता है। देन हमारे UN का जो सस्टेनेबल गोल नंबर 7 है उसमें भी यही बात की गई है कि हमें पोल्यूशन कम से कम करना चाहिए, तो ये उससे अलाइन भी है। अब इसके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? जैसे ये जो रिएक्टर है, ये जो हमारे कन्वेंशनल रिएक्टर्स है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, उनसे कम एनर्जी जो है जनरेट करता है, वो अप टू 800,000 तक कर देता है। तो हमारा ये जो ये एक रिन्यूएबल की तरह सोर्स होगा बट इसकी स्टेबिलिटी जो है कम हो जाएगी, बिकॉज अगर हम सोलर एनर्जी पे भी रिलाई करते हैं तो जैसे अगर हमारा क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम इतना साफ और अच्छा नहीं है तो हम अपनी सोलर एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते हैं। सो ये भी उसी तरीके से थोड़ा लेस स्टेबल है कंपैरेटिवली कन्वेंशनल रिएक्टर से। देन हमारा इसमें डिमांड का जो बोला गया है कि जो क्रिटिकल एलिमेंट्स की डिमांड है, मिनरल्स की डिमांड है, वो 3.5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी 2030 तक, ऐसा इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन ने बताया, IEA ने बोला है हमें। तो इसकी वजह से फिर अगर हम मिनरल्स को माइनिंग करेंगे तो हमें उसमें भी एनवायरमेंट को हार्म होगा। देन हमारे इसमें थर्ड जो चैलेंज है दैट इज सप्लाई मिनरल चैलेंज, कि एक कंट्री में मिनरल ज्यादा है बट दूसरे में कम है, तो वो जो प्रोसेस होती है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचाना वो भी अपने आप में एक काफी बड़ा चैलेंज है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और हर जगह पैसेजेस अवेलेबल नहीं है। देन इसके सॉल्यूशंस में हम क्या बताएंगे कि हम SMR को क्यों लाना चाहते हैं, या आप इसके एडवांटेजेस बता सकते हैं ये, क्योंकि जो SMR है वो लो एनरिच्ड यूरेनियम फ्यूल यूज करेगा, तो
डिप्लीशन ऑटोमेटिकली अपने आप कम हो जाएगा, बिकॉज जो हाई एनरिच्ड यूरेनियम फ्यूल होता है जो हम स्पेंट फ्यूल रोड से बना के यूज करते हैं उसमें काफी ज्यादा पोल्यूशन होता है। देन ये एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर है तो ऑब्वियसली बात है इसमें ज्यादा ऑटोनमस अच्छे फीचर्स होंगे, देन उसके बाद इसमें लेस कार्बन रिलीज होगा। और SMR इसकी फुल फॉर्म, इसका नाम इस तरीके से क्यों रखा गया है तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि S मतलब स्मॉल इन फिजिकल साइज, तो साइज में छोटा होगा तो हमारा जो लैंड है बेसिकली, तो बेसिकली जो लैंड है वो भी लेस यूज होगा, ठीक है। उसके बाद इसका M से है मॉड्यूलर, इसका मतलब है कि हमारे फैक्ट्री में ही हम इसके सारे पार्ट्स को असेंबल कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि हमें जगह जगह से लेके आने पड़ रहे क्योंकि ऑब्वियसली बात है साइज में छोटा है। देन R फॉर रिएक्टर, ये न्यूक्लियर फिजन टेक्निक के ऊपर वर्क करेगा। फिजन क्या होता है, जब हमारा एक पार्टिकल दो पार्ट में से डिवाइड हो जाता है, एक एटम या एक कोई भी जो एक पार्ट से दो पार्ट में डिवाइड होता है दैट इज फिजन। और अगर मैं बोलता हूँ फ्यूजन, तो फ्यूजन क्या होगा आपका कि जब हमारे दो पार्टिकल्स मिलके एक पार्टिकल बनते हैं, तो ये फ्यूजन पे वर्क करेगा जिससे हाई हीट, दिस इज द सिंबल फॉर हीट, तो हाई हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उससे एनर्जी और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। देन इसमें ये इससे अलग है कि हमारे हिंदू में एक और पॉइंट था कि अभी आपने देखा होगा एक आर्टिकल आ रखा था हमारे इंडिया और चाइना के काफी क्लैशेस चल रहे हैं लास्ट टू ईयर से, ठीक है, टू टू एंड हाफ से। सो अभी उसकी 19th मीटिंग होने जा रही है फॉर देवसा एंड दमचोक वाले एरिया के रिलेटेड कि उसके ऊपर क्या करना है। 18th मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, अब जो होगी वो 19th मीटिंग होगी इन दो एरियाज के लिए, देवसा एंड दमचोक। यहाँ तक हमारे हिंदू के आर्टिकल्स थे, लेकिन आज के हिंदू में इतना अच्छा कोई एडिटोरियल आ नहीं रखा था, रिपीटेड वंस थे और ज्यादा वैल्यूएबल नहीं थे, तो इसलिए मैंने सोचा हम इंडियन एक्सप्रेस का एक ओपिनियन पेज पर जो आर्टिकल था सीड्स फॉर ग्रोथ वो वाला कवर कर लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि इंडिया जो है वो कैसे अपनी सीड टेक्नोलॉजी को, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एनहेंस कर सकता है। तो बेसिकली अभी G20 हमारा जो ईयर चल रहा है हम उसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात कर सकते हैं फॉर आर सीड्स एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, ठीक है। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। और हमने 1960 में नेशनल सीड कॉर्पोरेशन बॉडी को एस्टेब्लिश किया था जो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन, ट्रांसजेनिक सीड्स हमारे इन सब के रिगार्डिंग डील करती है। सो इंडियन सीड जो मार्केट है हमारी वो 4.0 से $6.0 billions तक वैसे भी अभी ग्रो ही कर रही है। सो हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने सीड सेक्टर को और ज्यादा एनहेंस करें जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स और इंक्रीज हो जाए और हमारी डिपेंडेंसी टू अदर कंट्रीज कम हो जाए। सो इसमें हम क्या बता सकते हैं, हम मिलेट्स को और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, ऑलरेडी इंडिया करता भी है बट हम उसमें और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, जैसे कि जवार, बाजरा, रागी जो है, और ये हमारे इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट भी था अभी, दैट इज वाई हम मिलेट के लिए और ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। सो कॉटन सीड्स इसमें हम ग्रो कर सकते हैं जो हमारी कैश क्रॉप होती है। और आप सभी को इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी, जैसे कॉटन हमने बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में 2002 में, बीटी कॉटन में हमने क्या किया था, बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ये एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे सोयल में प्रेजेंट होता है, ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है, क्रिस्टल प्रोटीन उसका नाम होता है। तो जैसे ही इस पे आके हमारा वर्म हो गया या हमारा कोई भी पेस्ट हो गया वो कॉटन पे आके बैठता है, तो उसके जो पेस्ट होता है उसकी जो गट है उसमें एल्कलाइन मीडियम होता है, एल्कलाइन मतलब पीएच जो है 7 से ज्यादा होगा, बेसिक मीडियम होता है। तो जैसे ही वो इसको बाइट करेगा या खाने की कोशिश करेगा तो जो इसमें कॉटन सीड्स में हमारा बीटी बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बैक्टीरिया है वो अपना एक टॉक्सिन रिलीज कर देगा उसकी गट में, जिससे उसकी गट में वो एल्कलाइन मीडियम में जाके एक्टिव हो जाएगा और वो जो पेस्ट है वो मर जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे इससे हमें हार्म क्यों नहीं होगा, हमें इसलिए हार्म नहीं होगा क्योंकि जो ये बीटी कॉटन का जो क्रिस्टल प्रोटीन बनेगा वो सिर्फ एल्कलाइन मीडियम में ही एक्टिव होगा और वो पेस्ट के गट में प्रेजेंट होता है, दैट इज वाई हमारे लिए बिल्कुल सेफ था, इसलिए हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसी तरीके से हम जीएम मस्टर्ड और बाकी सीड्स के ऊपर भी अभी रिसर्च कर रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में 86% जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे इंडिया में काफी हेक्टेयर्स में जो लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सब लोग अपना 100% देंगे और अच्छे से फोकस करेंगे सीड्स की एनहेंसमेंट पे, ग्रोथ पे, तो इंडिया जो है बहुत जल्दी ही इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है वो और ज्यादा ग्रो करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।